दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। एक टेलीफोन आया मुझे ईस्टर्न यूपी से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। अपेक्षाकृत पिछड़ा इलाका है, तो बहुत सारे लोगों के पास अगर फ़ोन है तो उसमें इंटरनेट काम नहीं करता, और उनके फ़ोन भी एंड्रॉयड नहीं है या जो बहुत आधुनिक फ़ोन है उस तरह के नहीं हैं, पुराने ज़माने के फ़ोन हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि ये टूल किट क्या है। तो मैंने उनको बताया, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये टूल किट क्या है, जितना मुझे समझ में आया था। इसके बाद वो खूब हंसने लगे। उनकी उम्र हमसे थोड़ी सी ज़्यादा है, बुज़ुर्ग आदमी हैं। तो मैंने कहा, हंस क्यों रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि इसलिए हंस रहा हूँ। अच्छा, वो मूलतः किसान हैं, लेकिन उन्होंने मिडिल स्कूल तक पढ़ाई उड़ाई की रही होगी हमें लगता है, क्योंकि लिखना पढ़ना जानते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, बड़े जागरूक आदमी हैं। मुझे याद है कि बरसों पहले वो BBC रेडियो सुना करते थे और भारत के भी रेडियो और तमाम अखबारों को वो पढ़ते रहे। तो हंसने लगे और हंसते हुए बोले कि उनको तो लग रहा था कि टूल किट का मतलब, क्योंकि हिंदी अखबार में छप रहा है कि कोई बड़ी खतरनाक लड़की पकड़ी गई है, कर्नाटक की है, और टूल किट का कोई मामला पकड़ा गया है। तो उनको लगा कि ये बम बनाने का कोई बस्ता उसके पास है, यानी बस्ता का मतलब बैग। उनको लगा कि ये कोई ऐसा बैग है जिसमें बम बनाने का कोई बड़ा खतरनाक मामला इसमें होता है। तो इसीलिए वो परेशान हो गए कि भाई 21 साल की लड़कियों के पास ऐसा बस्ता कहाँ से आ गया, कैसे आने लगा। ज़रूर हमारी सरकार कुछ बात कह रही है तो दम होगा उसमें। लेकिन जब उनको पता चला कि ये टूल किट है क्या, तब वो इतने ज़ोर से हंसे कि मैं भी हंसने लगा, और दोनों आदमी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, और फिर हम लोगों ने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, आज हालत अपने देश की ये हो गई है कि जिन चीज़ों पर हंसा जा सकता है, उन पर हमारे विधान को चलाने वाले लोग, हमारे कानून व्यवस्था की रखवाली करने वाले लोग उस पर अट्टहास कर रहे हैं। उस पर वो लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकार, जीने के अधिकार, लोगों के कहने के अधिकार, अपनी बात को व्यक्त करने के अधिकार, उसको रौंद रहे हैं, और एक तरह से रौंदते हुए अपनी तानाशाही का खुला अट्टहास कर रहे हैं। अजीब दौर है। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं इमरजेंसी से। इमरजेंसी में दोस्तों बहुत सारी जातियां हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने इमरजेंसी को देखा था और झेला भी था। आप लोगों में से बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, जो नौजवान हैं, उन्होंने देखा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा और झेला भी नहीं होगा, इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ एक एक्सेप्शंस अगर छोड़ दिए जाएं, तो इमरजेंसी के दौर में ज़्यादातर जो गिरफ्तारियां हुई थी वो टारगेटेड थी। वो बड़े पॉलिटिशियंस थे, मझोले कद के पॉलिटिशियंस थे, कार्यकर्ता थे। आज की तरह कोई दिशा रवि गिरफ्तार हो जाए, कोई वकील निकिता को गिरफ्तार करने के लिए सरकार चली जाए, ऐसा नहीं होता था। अब पता चला कि एक बीड जिले का एक रहने वाला शांतनु, अब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? बताया जा रहा है कि उसके लिंक खालिस्तान से हैं। और जो निकिता जैकब, जिनको अभी जमानत मिल गई है बॉम्बे से, तो उनके पीछे पूरी पुलिस पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि दिशा रवि को दिशा इसी ने दी, निकिता। अब जबकि निकिता का कहना है कि वो तो बिल्कुल मानवाधिकारों की एक पक्षधर वकील है, वो किसान आंदोलन के प्रति भी उसकी सहानुभूति है। किसान आंदोलन के प्रति इस देश में करोड़ों लोगों की सहानुभूति है, और दिशा रवि नाम की लड़की जो है उसकी भी है। इसमें क्या दिक्कत है? कोई सहानुभूति रखे, कोई समर्थन करे उसके पक्ष में। ट्विटर पर अगर कोई ग्रेटा थंबर्ग की, मान लीजिए, टिप्पणी आई है, कोई सलाह आई है, उसको अगर उसने उसमें हस्तक्षेप किया है, उस पर कोई कमेंट किया है, तो इसमें क्या बुराई है भाई? हमें बात नहीं समझ में आ रही है। उसको अपनी बात कहने का हक है। अगर वो हिंसा के लिए, हिंसा में शामिल होती है, राज्य को पलटने के लिए, राज्य की सत्ता को पलटने के लिए, तब आप कह सकते हैं कि ये राजद्रोह है। और 1962 का जो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का,
अगर उसके हिसाब से हम देखें तो भी बहुत मशहूर है केदारनाथ सिंह के प्रकरण में वो फैसला आया था कि तब तक राजद्रोह का मामला किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बनता जब तक कि वह व्यक्ति राज्यतंत्र के खिलाफ साजिश नहीं रचता, हिंसक साजिश। इसलिए दोस्तों ये जितनी इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं या FIR हो रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं उस धारा का उल्लंघन करते हैं जो राजद्रोह के लिए अपने संविधान में बरकरार है। हालांकि उसको होना नहीं चाहिए था, दुनिया के अनेक देशों ने इस तरह की धाराओं को ख़त्म कर दिया है। ये ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश में आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों के खिलाफ लगाई थी लेकिन अपने देश में चला आ रहा है। लेकिन दिलचस्प बात मैं टूलकिट से शुरू करता हूँ, जो दिशा रवि को जिसके लिए गिरफ्तार किया गया है। टूलकिट तो इसकी ट्विटर की है, इसकी तो यूं कहा जाए कि दुनिया सब देख रही है, उस पर ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन जिनको दुनिया नहीं देखती वो जो टूलकिट बनाते हैं और फिर उसको अमली जामा जब पहनाते हैं तो दंगे हो जाते हैं, तब न जाने क्या क्या हो जाता है, भड़क जाती हैं चीज़ें, उनको आप क्या कहेंगे। लोगों को पीटा जाता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हॉस्टल में घुसकर लड़के लड़कियों को, और जो पीटते हैं उनके हाथ में डंडे होते हैं, सरिया होते हैं, लोहे की छड़ें होती हैं, उनको आप क्या कहेंगे। वो टूलकिट कौन से टूलकिट को लेकर वो वहाँ आए थे, वो सारी तस्वीरें सबके सामने हैं। और दोस्तों रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा, इनके बारे में आप क्या कहेंगे। प्रवेश वर्मा तो माननीय सांसद हैं, अनुराग ठाकुर तो माननीय वित्त राज्य मंत्री हैं, बजट बनाने वाली जो हमारी हमारा जो विभाग है उसके मंत्री हैं। इन लोगों के जो भाषण जो दर्ज हैं वो किस टूलकिट से आए हैं। अभी न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट ने एक बड़ा ही दिलचस्प हिंदू इकोसिस्टम नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है। अब ये कपिल मिश्रा साहब इसके पीछे बताए जाते हैं, उसका इसने पूरा का पूरा पर्दाफाश किया है। पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो पर्दाफाश है वो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। और उसमें जो जो बातें कही गई हैं वो साबित करती हैं कि वाकई ये नफरत की फैक्ट्री है या कम से कम नफरत की फैक्ट्री बनाने की एक योजना है, परियोजना है। लेकिन दोस्तों राजनीतिक क्षेत्रों में टूलकिट बहुत पहले से बनते रहे हैं, और जो निकिता जैकब है या दिशा रवि है ये तो बहुत सिंपल बातें हैं कि हम कैसे हिस्सा लेंगे, क्या आवाज़ें होंगी, क्या नारे हो सकते हैं वगैरह वगैरह, इन इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े दोस्त थे और JDU के एक ज़माने में बहुत टॉप लीडर थे, भारत के रक्षा मंत्री थे, कई विभागों के वो मंत्री रह चुके थे, एक ज़माने में हम जैसे लोगों के भी अच्छे दोस्ताना रिश्ते उनके साथ थे, है हालांकि उम्र में हमसे बड़े थे हम लोगों से, लेकिन पटना के दिनों तक जब मैं नवभारत टाइम्स पटना में था उन दिनों तक हमारे उनके संबंध वाकई बहुत अच्छे थे। हमने बांका का उनका चुनाव भी कवर किया था, और कुल मिलाकर हम लोगों का अक्सर जब वो आते थे पटना तो संवाद होता रहता था। वो तो टूलकिट के खजाना थे, म्यांमार का मामला हो, चाहे वो फिलीपींस का मामला हो, कंपूचिया का मामला हो, किसी भी देश का मामला हो या नेपाल का मामला हो। उनके मुझे आज भी याद है कि जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया था तो उनका जो घर था तुगलक लेन पे, उस घर पे अगर मुझे याद है तो संभवतः तुगलक लेन ही था जहाँ एक पार्क था, उसको एक उस बंगले में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे उनको बंगला मिला हुआ था। वहाँ पर अनेक देशों के रिफ्यूजी जो लड़के थे, नौजवान लड़के लड़कियाँ वहाँ पोस्टर बनाते थे, अपनी योजनाएं तैयार करते थे, कैसे कहाँ किस एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करना है, करंट प्लेस में कैसे प्रदर्शन करना है। हमको ये भी याद है कि जब रूसी राष्ट्रपति, सोवियत संघ उस समय मौजूद था, ब्रेजनेव जब भारत आए थे तो कैसे प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह जो है वहीं बैठकर योजनाएं बनाया था। तो ये चीज़ें जो वह तो एक पॉलिटिशियंस थे और ये काम होता रहता था। और दोस्तों राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, ये जो पूरा का पूरा विवाद भारत की राजनीति में सामने आया 90 में जब ये रथ यात्रा निकली थी, आपको याद होगा
सोमनाथ से, तो उस रथ पर कौन कौन लोग सवार थे आप चित्र देख लीजिए, और क्या टूल किट रहा होगा उसका, वो कैसे, आपको याद होगा कि 23 अक्टूबर 1990 को बिहार में आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए थे, और फिर इसके बाद 25 सितंबर 1990 को वो यात्रा निकली थी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को का ध्वंस किया गया, उस समय अब तो बरी हो चुके हैं 30 सितंबर 2020 के फैसले से आडवाणी जी और अन्य तमाम लोग उस मामले से, लेकिन डिमोलिशन के दिन कैसे राम कथा कुंज कंट्रोल रूम के भूतल से, यानी नीचे से, निचली मंजिल से कैसे फावड़े, हथौड़े, बेलचे, सरिया, डंडे, काटने की मशीनें, तमाम चीज़ों को लेकर कैसे लोग निकले थे, और उनकी संख्या 200 के तकरीबन 200 कार सेवकों की वो संख्या बताई गई थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, ये उत्तर प्रदेश के उन दिनों के सबसे मशहूर पत्रकार, फोटो पत्रकार एस के यादव साहब की बकायदे सीबीआई में गवाही में दर्ज ये चीज़ है रामकथा कुंज के बारे में, और उनके पास चित्र मौजूद हैं, चित्र मौजूद हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा टूल किट था, वहां तो वाक्य नहीं थे, सुझाव नहीं थे, वहां तो ये नहीं था कि ये करना है वो करना है, वो तो बकायदे ठोस कार्रवाई के सारे इंस्ट्रूमेंट थे। तो हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो बुजुर्ग ने सवाल किया, कोई बम का बैग यानी दस्ता या कोई थैला, वहाँ तो सारे के सारे बोरे थे, और उन बोरों में से निकली थी बहुत सारी चीज़ें, उनको आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस मुल्क में आज की जो सत्ता है, वो जिस निर्दोष को चाहे उसको वो खतरनाक अपराधी बता सकती है, आतंकी बता सकती है, देशद्रोही बता सकती है। किसी 21-22 साल की किशोरी को, जिसने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, अपराध के बारे में सोचा ही नहीं सिवाय जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और इन किसानों के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के समर्थन के अलावा और लिखने पढ़ने के अलावा, उस लड़की को बताइए किन किन संज्ञेय अपराधों में उनको उसको घेर लिया गया है। तो 21-22 साल की किशोरी से लेकर और 83 साल के बुजुर्ग स्टैन स्वामी को जेल में किस तरह रखा गया है, ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है 1947 के बाद भारत में बनी, ये अनोखी सरकार है जो बिल्कुल निर्दोष लोगों को सबसे खूंखार अपराधी साबित करने में जुट गई है, और न्यायिक तंत्र जो है, पुलिस से लेकर और तमाम संस्थाएं, ऐसा लगता है कि वो केवल तमाशबीन की तरह हर चीज़ को ऐसा लगता है कि बिल्कुल उदासीनता के साथ सिर्फ देख रही हैं। एक आश्चर्यजनक, एक बहुत ही अभूतपूर्व अनोखी परिस्थिति अपने मुल्क में पैदा हो गई है। तो दोस्तों, हम इसी बात के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं कि ये टूल किट हंसने की चीज़ ज़रूर है जिस तरह से इसको सामने लाया गया है, लेकिन यकीनन ये टूल किट जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही विस्फोटक घटनाक्रम है, और ये सरकार का टूल किट है, ये सरकार का औजार है, औजारों का जखीरा उसके पास है कि कैसे कभी छापेमारी करा देते हैं किसी के यहाँ, कभी किसी पर FIR करा देते हैं, बड़े बड़े संपादकों को न जाने किन किन धाराओं के तहत किसी को राजद्रोही बनाते हैं, किसी को देशद्रोही बताते हैं, किसी को अपराधी बता देते हैं, किसी को दंगाई बता देते हैं, और गिरफ्तारी का वारंट इशू करा देते हैं। बड़ी मुश्किल से उन लोगों को फिर जाना पड़ता है हायर कोर्ट, किसी तरह से जो प्रभावशाली हैं उनको, तो मान लीजिए जिनके पास अच्छे वकील हैं मिल जाती हैं चीज़ें, थोड़ी सुविधा मिल जाती है, राहत मिल जाती है, जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या करेंगे। बस इसी बात के साथ आज की चर्चा का समापन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।